अस्सलाम वालेकुम, मैं शेमेर ज़ादा आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खरीद से होंगे, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और सुकून वाली जगह है। थोड़ी देर पहले मुझे हैप्पी जॉइंट फैमिली की तरफ से कॉल मौसूल हुई है कि जहाँ पर आप ही का घर है वहाँ पर वो अपना घर बना रहे हैं। तो आज जो है हम काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो हमारे लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करें और लेकर आए। तो मैंने सारा सामान ले लिया है अपने साथ, और अभी जो है वो चलते हैं वहीं पर बैठ के पकाएंगे, खाएंगे, पिएंगे और उनके घर का विज़िट भी करेंगे कि किस तरह का घर बना रहे हैं वो, और चलते हैं अभी। सो फाइनली हम आप ही के घर पहुँच आए हैं, जो कि बड़ी बेताबी से हमारा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जो भी सारा सामान था खाने का वो मैंने लेके आना था, क्योंकि आज की दावत मेरी तरफ से है। इसीलिए वो कह रहे थे हमारा भूख से बुरा हाल हो गया, आपने इतनी देर कर दी आते आते। तो ये रहा आप ही का घर, आज मैं इसका आपको कंप्लीट विजिट भी करवाऊँगा और जो नया घर बन रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। लोग सुबह से इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि आज का खाना आपकी तरफ से है, खाने का जो भी है इंतज़ाम आपने करना है, लेकिन मैंने आते आते देर कर दी। कह रहे हैं भूख लगी हुई थी। हाँ जी, क्योंकि अभी टाइम तकरीबन हमारे पास 1 बजे को हो गया होगा, है ना। हाँ जी, 1 बजे मैं अपना वो क्या एस्टिमेट, वो सूरज को देख कर एस्टिमेट, सूरज को देख के ही टाइम का पता लगाती हूँ। वैसे मैंने कभी नहीं देखा, वॉच वगैरह नहीं कभी देखी, बस सूरज को देखती हूँ। और जब साया का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, साया यहाँ पे चला गया तो अभी ये टाइम हो गया। हमारे बुजुर्ग भी ऐसे किया करते थे। और अभी जो है हम देखते हैं घर कैसा बन रहा है, घर नया कमरा। हाँ जी, ये बांस है जो कि यहीं पे हमारे होते हैं, और वहाँ से उनकी कटाई की है, और अभी स्ट्रक्चर जो है वो बन गया है इसका, और इसके बाद जो है उसकी फिर छत वगैरह बनेगी। हमारा घर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, ऐसा बनाना इंशाल्लाह। सुभान सो रहा है, और तो आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। और चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो चिकन को वॉश कर ले। हाँ जी, चिकन वॉश कर रही हैं अभी। चिकन माशाल्लाह ये साफ साफ है ना, ठीक है, धो के ले आंदा मैं। धो के ले आंदा। तो मैं सुभान के उठने का इंतजार कर रहा था, इतनी देर से बैठा हुआ था कि सुभान उठेगा। अस्सलामु अलैकुम सुभान, मेरी जान, उठते ही मुस्कुराना शुरू कर दिया सुभान ने। कपड़े का झूला बनाकर चारपाई के साथ बांधा हुआ है और सुभान कर रहा है जी मौज मस्ती इसमें। सुभान ने काम ये क्या किया, ये क्या किया आपने, उसने वार्न किया था बेचारे ने पहले, उठते ही सुसु कर दिया। सुसु कर दिया। चलते हैं किचन की तरफ, चिकन धोने के बाद किचन की तरफ। चिकन और किचन एक जैसे वर्ड्स हैं इसलिए भूल जाते हैं, जाट बंदे इंग्लिश तो वैसे आता आगे साढ़ा। हाँ। डोगी आ गई इसलिए मैंने चिकन पहले उठा लिए और चिकन धो लिया है, और चिकन धो लिया अभी जो है अब मिसाला जात, क्या क्या है मिसाले में, मिसाले में प्याज हैं और ये सारा सामान, तो अभी जल्दी से मसाला तैयार करते हैं। प्याज काटे जा रहे हैं यहाँ पर, सब्ज़ धनिया गड्ढा चा रहे हैं, पूरी पांड चा ले आंदी, ये खुश्क धनिए, अकबाल मसाला हमने काट लिया है और अभी मसाला धोया जा रहा है। प्याज जड़ जड़ धो रहे हो, मिंड ना पाई जाओ। धनिया थोड़ी ज्यादा डालनी है। अपने किचन की तरफ जाते हैं और आग हमारी जल चुकी है, ना बिजली है, ना वो चॉपर मशीन है, साढ़े को देसी स्टाइल है, देसी साढ़े को दोरी शॉट है। हां दोरी छोटा सी नो, वैसे इतने बोलने हैं कुंडी डंडा जेड़ा ना, दोरी छोटा बोलने। तो कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर रख दी गई है और अब डाल रहे हैं इसमें घी। घी नो गरम होने देने हैं, घी गरम हो जैसे तो फिर मोहम्मद सुभान, यहां पर घी गरम हो रहा है और इधर सुभान गरम हो रहा है क्योंकि उसको हम लिफ्ट नहीं करवा रहे ना, अरे मेरी जान। तो घी हमारा गरम हो गया है और अभी क्या कर रहे हैं आप, प्याज ज्यादा नहीं कटी दे, थोड़ा कटते इस वास्ते हाल हाल तोड़ने का। प्याज जो है हमारे वो फ्राई हो रहे हैं, और इसके बाद क्या करने वाली हैं आप ही जान। इसके बाद में क्या करने वाली हैं, अदरक और लहसुन की इसको कूट लेंगे, साथ में ये खुश्क धनिया भी। तो
तो हमारे प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो गया। प्याज को फ्राई करने के बाद अभी हम इसमें चिकन जो है वो डाल देंगे, इसको ना फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ चिकन को। तो जो है चिकन इसको मैंने डाल दिया, इसको फ्राई करेंगे और साथ इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। चिकन हमारा ज़्यादा है लेकिन बर्तन छोटे हैं, आप ही डिस्टर्ब हो रही हैं इसको लेकर। लेकिन कौन है वो ऐसी? बढ़ाओ बढ़ाओ, खैर है खैर है। सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो ग्राइंड कर ली हैं और उनको आप डाल दें। सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं और हल्दा नहीं पिया, बस एक रोला बड़ा खड़ा है। तो साथ साथ अब टमाटर की कटाई भी हो रही है जी। तो अब जा रहे हैं इसके अंदर टमाटर। यहाँ पे हम इसमें नमक भी वो डाल देंगे क्योंकि पहले डालना भूल गई थी। ऐसे ही रोटी डालते हैं। इसका नाम अनमोल है, अनमोल मीन डिफरेंट। नहीं, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। आ गया हूँ मैं। जी तो अभी क्या हो रहा है? चिकन हमारा जो फ्राई हो चुका है तो अभी हम इसमें डालेंगे ये सुरख मिर्चें। तो ये जो सुरख मिर्चें हैं ये भी हमारे घर की जो है देसी मिर्च हैं, ठीक है ना। सुभान और मैं सब्जी में आ गए हैं सब्जी तोड़ने के लिए, क्योंकि खाना हमारा तैयार हो चुका है और सलाद जो है उसकी ही कमी थी। और तो अभी हम शलजम तोड़ने के लिए आ गए हैं सब्जी में। क्या तोड़ने हमने जी? हमने तोड़ने हैं शलजम। शलजम हमने तोड़ लिए और सुभान चलें। सुभान पकड़ लो ये। तो ये रहे हमारे शलजम, ये रहा हमारा सुभान और ये रही हमारी मूलियाँ। अब बनाते हैं सैलड। माशाल्लाह, इस तरह से लुक दे रहा है हमारा चिकन कढ़ाई। ये असल में लुक ये वाली इसलिए आई है क्योंकि जो अपनी मिर्चें ली हैं ना वो घर की हैं, उन्होंने घर में जो है मिर्चें जो लगाई हुई थी वही उनके पिसा के रखे। यहाँ पे चिकन जो हमारा है वो फ्राई हो चुका है तो अभी हम इसमें डालेंगे दही। अभी दही का जो पानी है इसको अच्छे से खुश कर लेंगे, ठीक हो गया। हमारी चिकन कढ़ाई जो है वो अभी तक तैयार नहीं हुई, काफी लंबा टाइम लिया उसने, इसलिए हम भी शलजम पर गुजारा कर रहे हैं। सुभान शलजम खा रहे हैं बगैर दांतों के जी। माशाल्लाह चिकन हमारा जो तैयार हो चुका है, यहाँ पे एंड में हम इसमें डाल देंगे ये हरा धनिया। इसको कवर कर देते हैं और नीचे उतार लेते हैं जब ये अपना जो है घी छोड़ देंगे ऑयल। अभी जो है वो प्लेटों में जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, और ले जाते हैं इसको अपने दस्तरखान पर।
आप ये रखो। तो दस्तरखान हमारा लग चुका है जी, सलाद बना लिए और चिकन भी आ गया, रोटियां लाया ओ बहुत भूख लगी खड़ोती जी। तो रोटियां भी आ गई, फुलके आ गए जी। तो खाना शुरू करते हैं और चेक करते हैं बनी कैसी है। ये खुशबू तो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, मुंह से पानी भी आ रहा है और बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छी है। तो मैं लास्ट टाइम भी आया था तो आप ही के घर का विज़िट नहीं करवा पाया आप लोगों को, लेकिन आज मैं आप ही के घर का कंप्लीट विज़िट आपको करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं आपको आप ही लोगों के घर का विज़िट करवाऊंगा। अभी जो हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले हैं वो सामने घर बना रहे हैं, अभी उनका एक कमरा बना है अभी, और साथ जो है बाकी घर वो अभी तैयार होना है। आज पूरे दिन में सिर्फ ये काम हुआ है कि अभी इसका स्ट्रक्चर बना है। तो अभी चलते हैं दूसरी तरफ। तो ये बड़ी आपी का घर है, ये मैं आपको वैसे दिखा दूं, इस घर का ये सामने सेहन है और ये है जी कमरा। अंदर चलते हैं कैसा सीन है। तो इस तरह से कुछ है जी कमरे का अंदर का सेटअप। गर्मियों में ये बहुत ही ठंडा होता है और सर्दियों में ये गर्म होता है, और इसमें से बारिश वगैरह भी बिल्कुल नहीं आती। बिस्तर पड़े हुए हैं और इसे हम घड़बंजी कहते हैं, घड़बंजी के ऊपर गड़ा, और गड़े के ऊपर बड़े ज़बरदस्त जो है वो आर्ट का काम हुआ है, फिर छब्बा एंड ये बाकी जो है ट्रंग पेटियाँ जो भी हैं, और सामने इसे हम सुफील कहते हैं जो बनी हुई है यहाँ पे बर्तन वगैरह रखने के लिए। और ये जो है वो मेन कमरे है, और इस मेन कमरे के साथ ही एक छोटा सा कमरा है जी अंदर की तरफ। ये जी ये बना हुआ है जी बैठने के लिए, और इसे हम वरांदा कह सकते हैं, और बिल्कुल इस वरांदे के सामने यहाँ पर किचन है जी, किचन, और किचन के सामने बिल्कुल ओपन एरिया। मेन कमरा, मेन कमरे के साथ किचन, और किचन से जो है थोड़ा सा आगे वो वरांदा सा बना हुआ है जिसे हम डाइनिंग हॉल कह रहे हैं आजकल। ने बनाई है चिकन कढ़ाई और बड़ी आपी बना रही हैं अब चाय। तो खाना हमने खा लिया, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था, और अभी जो है आपी ने चाय बनाई है और अब हम पी रहे हैं चाय। तो आज काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, आपी लोग भी काफ़ी थके हुए थे और काफ़ी को जाने का रास्ता, और इसी हम अब डाइनिंग हॉल ही कह सकते हैं क्योंकि वैसे तो वरांदा बना हुआ है बैठने के लिए, किचन के साथ है तो डाइनिंग हॉल कह देते हैं क्योंकि यहीं पे बैठकर हमने खाना खाया है। और ये है जी घर से बाहर जाने का रास्ता इस तरह से, और घर के बिल्कुल साथ ही जो है वो ट्यूबवेल लगा हुआ है जो कि सब्जियों को और फसलों को सैराब करते हैं, और ट्यूबवेल के साथ ये पीटर जो है वो ट्यूबवेल के साथ भी अटैच है, और जो टोका मशीन है हमारी उसके साथ भी अटैच है। हमने खाना खा लिया, अब खाना खा लिए, अब जानवरों को भी खिलाना है। जानवरों को चारा डाल दिया है, और ये है जी घर का बैक साइड, ओवरऑल व्यू घर का। गंदम की फसल है आजकल, और यहाँ से हम चलते हैं आगे। तो ये है पूरे घर का ओवरव्यू, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और सुकून वाली जगह है। तो यहाँ पर आए हैं आप ही के जानवर जो है उनको चारा भी डालना है हमने, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ हेल्प, हैंड से मैं चारा काटता हूँ, और छोटे मोटे काम तो जो है वो मैं राइट हैंड से कर ही लेता हूँ, लेकिन जो मुश्किल काम है वो मैं लेफ्ट हैंड से ही करता हूँ। तो अभी शाम होने वाली है, 4 बज गए हैं और अब हमको वापस घर जाना चाहिए। पेट पूजा कर ली है हमने, आप ही लोगों से मिल ली है, और आज का दिन बहुत अच्छा रहा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। तो चलते हैं वापस घर की तरफ।